नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के चौक स्टेडियम पहुंच चुके, जहां आज वो स्मार्ट लखनऊ स्मार्ट प्रदेश के तहत 1710 करोड़ रुपए की 180 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ज्योतिबा फुले मल्टी लेवल पार्किंग पार्क के निकट स्थित चौक स्टेडियम में कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। मौके पर योगी सरकार के तमाम मंत्री मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ से तस्वीरें सामने आई है। तो यूपी के सीएम और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल स्मार्ट लखनऊ स्मार्ट प्रदेश के तहत करीब 1710 करोड़ की 180 विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं योगी सरकार के वो भी मौजूद हैं। दरअसल ज्योतिबा फुले मल्टीलेवल पार्किंग पार्क के निकट स्थित चौक स्टेडियम में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो लखनऊ से ये खबर सामने आई है, जहां पर स्मार्ट लखनऊ स्मार्ट प्रदेश के तहत तमाम जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो वहीं हॉलीवुड की तर्ज पर गौतम बुद्ध नगर जिले में बनाई जाने वाली फिल्म सिटी के निर्माण की तैयारियों ने अब और तेजी पकड़ ली है। जी हां, आपको ये जानकारी दे दें कि यमुना सिटी में 6000 करोड़ की लागत से बनने वाली ये फिल्म सिटी 1000 एकड़ में बनकर तैयार होगी। अनुमान है कि इस फिल्म सिटी में करीब 15000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण हीरा के सेक्टर 21 में पीपी मॉडल पर बनाई जाने वाली फिल्म सिटी की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर पर शासन ने मुहर लगा दी है। अब डीपीआर बनाने वाली कंपनी 3 सप्ताह में बिड डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी, जिसके बाद ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा। सब कुछ योजना के अनुसार होगा, जो अगले साल के शुरुआती महीने में फिल्म सिटी के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। 3 चरणों में विकसित की जाने वाली इस फिल्म सिटी के पहले चरण में फिल्म स्टूडियो, खुला एरिया, एग्जीबिशन पार्क, विला आदि का निर्माण करवाया जाएगा। यूपी की इस पहली फिल्म सिटी में विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाना है। अधिकारियों का कहना है कि इस फिल्म सिटी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल तकनीक से जुड़ा होगा। फिल्मों में डिजिटल माध्यमों के बढ़ते चलन के कारण इसे इंफोटेनमेंट सिटी कहा जाएगा। इसमें सीरियल और फिल्मों की शूटिंग के विशेष स्टूडियो, एनिमेशन, वेब सीरीज, कार्टून, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, डिजिटल मीडिया आदि के लिए सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। ये प्रोजेक्ट 2020 में इसकी घोषणा हुई थी। जी हां, कोरोना काल के तुरंत बाद ही इसकी घोषणा कर दी गई थी और जगह तय हो गई थी कि कहां पर देश की सबसे बड़ी सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनने जा रही थी। और ऐसे में वहां पर तमाम जो लोग हैं पहुंचे, उन्होंने देखा कि कहां पर फिल्म सिटी बनने जा रही है, किस तर्ज पर बनने जा रही है, क्या ये मुंबई से ज़्यादा बड़ी फिल्म सिटी होगी। ऐसे में तमाम जो अभिनेता हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी भी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर आती रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जहां कक्षा 1 से 8वीं तक सभी छात्र छात्राओं को लेकर इनकी पढ़ाई को लेकर सरकार मुफ्त करा रही है, वहीं जिला बलरामपुर पचपेड़वा के अंतर्गत दारुल उलूम अहले सुन्नत फजले रहमानिया मदरसे में एडमिशन के नाम पर गरीब असहाय बच्चों से कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के एडमिशन के नाम पर करीब 150 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। इस अवैध वसूली का आरोप मदरसा के शिक्षकों पर है। वहीं जब उनसे इस मामले में सवाल किया गया तो सभी कैमरे से बचते हुए इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि मदरसे के शिक्षक और प्रिंसिपल नूरल हसन के मिलीभगत से यहां पर बच्चों को मिड डे मील का भोजन भी नहीं दिया जा रहा, जो राशन आता है उसे भी बेच दिया जाता है। आपको ये जानकारी दे दें कि 1000 करीब कई सालों पहले ये मदरसा स्थापित हुआ था और दारुल उलूम अहले सुन्नत फजले रहमानिया मदरसा को चलते हुए 80 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इस समय यहाँ लगभग 1200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये मदरसा शिक्षा माफिया की तालमेल अधिकारियों के मिलीभगत से अवैध वसूली का गोरख धंधा धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिसका खामियाजा गरीब असहाय बच्चों के माँ बाप को भी भुगतना पड़ रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे बेटा?
5 में एडमिशन कराया हो, कितना पैसा लगा है? 150 रुपया फीस दिए हैं, वो रसीद दिए हैं इसकी? बाबू एडमिशन के लिए कितना पैसा लिया गया है आपसे? 250। कितना? 250। जो 250। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 6। अच्छा अच्छा, कोई रसीद वसीद दिए हैं आपको? ना। ये मदरसा फजल रहमानिया पचपड़वा है और यहाँ पर कई वर्षों से गरीब बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनसे गैर कानूनी तरीके से बिना किसी नियम के उनसे एडमिशन फीस, और वो जब एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं तब वहाँ पर एडमिशन फीस ली जाती है, और इसका कोई रसीद न मदरसे का दिया जाता है ना कोई सरकारी रसीद दिया जाता है। इसके बारे में जब बात की जाती है तो ना स्कूल के प्रिंसिपल और ना स्टाफ का कोई आदमी इस पर बात करने को तैयार नहीं होता है, और लगातार ये कई वर्षों से चल रहा है। संबंधित जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जिले के और सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी गुजारिश है कि मदरसों में इस धोखाधड़ी, धांधली, लूट को आप रोकिए, और ये बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। उनके पूरा भाभी जी में पहुँच। अच्छा अच्छा, तीसरी में कितना पैसा कुछ लिया एडमिशन का? 150 रुपया एडमिशन। कोई रसीद दिए हैं? अभी रसीद कुछ नहीं दी, बच्चों का एडमिशन कराना था। अच्छा अच्छा, तो बच्चों का एडमिशन कराया आपने, कितना फीस लिया गया आपसे? दो बच्चों का 150-150 रुपया लिया गया है। हाँ, और एक बच्चों का 300 रुपया मांग रहे थे, हमारे पास 250 रुपया था, मैं दे दिया। अच्छा, तो इसकी कोई रसीद वसीद मिली है आपको? कुछ नहीं मिला। मदरसा फजले रहमानिया में अब तक फीस के नाम पे जो है कोई पैसा नहीं लिया गया है। जो लोग सक्षम हैं वो लोग अपनी खुशी से चंदे के तौर पे देते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल बच्चों के फ्यूचर के लिए ही होता है, उनके इम्तिहान के अखराजात और इम्तिहान में कामयाब होने वाले बच्चों को इनाम देने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा फीस कोई नहीं ली जाती है, क्योंकि ये अल्पसंख्यक अदारा है और अल्पसंख्यक बच्चों और ख़ासतौर से पचपड़वा में जितने गरीब मुस्लिम बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और मदरसे में जितने सरकारी टीचर हैं उनको देखा जाए, मानक को देखा जाए तो मानक से कई गुना ज़्यादा यहाँ बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मिथिलेश मेरे साथ बलरामपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये जो खबर सामने आ रही है कि मदरसे के अंदर जो असहाय बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनसे अवैध वसूली की जा रही है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं मिड डे मील के नाम पर, मिड डे मील जो कि सरकार की तरफ से मुफ्त में बच्चों को दिया जाता है, ताकि अगर वो घर से कुछ खाने की पीने की चीज़ नहीं लेके आते हैं तो अगर वो स्कूल आते हैं और पढ़ाई करते हैं तो वो भूखे पेट ना रहें। वहाँ पर इस तरह की धड़ल्ले से लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, राशन हड़प रहे हैं। जी बताना चाहता हूँ, ये 1942 में स्थापित हुआ था मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत फजले रहमानिया। 79 साल इस मदरसे को चलते हो गया, लेकिन कम से कम इस मदरसों में 1200 से 1500 बच्चे पढ़ते हैं, और पर बच्चों से 200 से लेकर 500 रुपए तक अवैध वसूली किया जा रहा है। इसको लेकर के जब हमने ग्राउंड जीरो पे उन बच्चों से बात किया तो बच्चे कह रहे हैं कि कई सालों से ये असूली का खेल चल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार मुफ्त शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के तहत पर बच्चों को फ्री में शिक्षा, ड्रेस, कपड़ा, मिड डे मील का सारा चीज दे रही है, वहीं पे ये मदरसा के लोग जिस तरीके से अवैध असूली का गोरख धंधा प्रिंसिपल से लेकर के टीचरों के मिली भगत से चल रहा है, इसे साफ पता चलता है कि गरीब मजलूम किसान के जो बच्चे। मिथिलेश, ये बताइए कि यहाँ पर जो एडमिशन, जो बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, यहाँ पर क्या मुफ्त एडमिशन कराए जाते हैं सरकार के द्वारा? नहीं, सरकार के द्वारा मुफ्त में एडमिशन होता है, लेकिन उन बच्चों से 200-150-500 रुपए तक के अवैध असूली किया जाता है। कब से ये सब चीजें चल रही है मिथिलेश, कितने सालों से यहाँ पे होता आया है? आप सोच सकते हैं 1942 में ये मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत फजले रहमानिया पचपड़वा में चल रहा, 79 साल हो गया, 79 साल हो गया, और अभी तक भी 79 सालों से ये अवैध असूली का धंधा धड़ल्ले से मदरसा के प्रिंसिपल। मिथिलेश, आप बता रहे हैं कि 80 साल, लगभग 80 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन 80 सालों में किसी भी सरकार, तमाम सरकारें आई हैं, तमाम सरकारें चली गई हैं, किसी की नजर इस मदरसे पे नहीं गई, क्योंकि ये एक मदरसा है और इसमें बाहरी लोगों को जाना या बाहरी लोगों को आना
वो होता है जब ज्यादातर जाना नहीं होता, लेकिन जब मदरसा के ही बच्चे इसका विरोध किए और उसके बाद वहाँ के एक समाज सेवी आलम है जो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन आलम को भी वहाँ के प्रबंधक, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर दबाने की कोशिश किए कि ये अपनी दीन धर्म का मामला है। मिथिलेश, क्या आप इस मदरसे के अंदर दाखिल हुए थे? क्या आपने यहाँ के शिक्षकों से बात करने की कोशिश की? जी, मैंने इन शिक्षकों से बात करने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी माइक और कैमरा से बोलने से इनकार करते रहे। वही जब प्रिंसिपल से मेरी बात हुई तो प्रिंसिपल ने कहा कि हम कोई असूली नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप विजुअल में साफ देख सकती हैं, जब कैमरा लगा करके उन टीचरों से पूछा जाता है कि क्या आप ये किस तरीके से 150 रुपए से लेकर 250-500 रुपया अवैध असूली कर रहे हैं, तो अपना वो शिक्षण मुंह छिपाते फिरते आ रहे हैं। जी, जबकि चलिए मिथिलेश, आखिर में ये बताइए कि इस पूरे मामले पे क्या कोई कार्रवाई हो पाई है? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मेरी बात हुई है, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं हुए, इसीलिए यहाँ पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारी ये कोशिश जारी रहेगा कि उन मासूम गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको फ्री में शिक्षा दिया जाए। बिल्कुल मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे इस खबर पर। तो ये पूरा मामला बलरामपुर का है, जहां पर मिड डे मील का राशन भी शिक्षक हड़प रहे हैं, जहां पर फ्री एडमिशन होते हैं वहां पर करीब 150 से लेकर 500 रुपए तक उन मासूम बच्चों से, गरीब बच्चों से लिए जा रहे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप जो है ज्यादा पैसा नहीं कमाते, जिनके पास इतना रोजगार नहीं है कि वो इतनी मोटी रकम यहाँ पर दे सके, उनसे भी यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। मिड डे मील तक बच्चों को नहीं दिया जाता है। और अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। जी हाँ, बाहरी दिल्ली के बवाना में महिला से लूट का एक मामला सामने आया है, जहां महिला बैंक से 2,50,000 रुपए कैश निकालकर जा रही थी। तस्वीरें आप देखिए, जिस दौरान लुटेरों ने महिला से रुपए छीनने की कोशिश की, पर महिला ने पूरी बहादुरी से लुटेरों का सामना किया है। जो बदमाश लुटेरे थे उनका सामना महिला करती रही, लेकिन महिला बेबस थी और कुछ नहीं कर पाए, लुटेरे तब तक फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक लुटेरे बैंक से ही महिला का पीछा कर रहे थे, वही मामले में लुटेरे महिला से करीब 50,000 रुपए लूटने में कामयाब रहे हैं, जबकि अपनी बहादुरी से महिला ने अपने 2,00,000 रुपए बचा लिए हैं। वहीं ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है, जो सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है उसको भी खंगाला जा रहा है। तो बवाना का एक पूरा मामला, एक बार फिर से हम ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। महिला आराम से पैसे लेकर आ रही है, उसे भनक तक नहीं लगी कि बदमाश जो लुटेरे हैं वो उसका पीछा कर रहे हैं। महिला ने बहुत बहादुरी दिखाई और पूरी कोशिश की कि वो पैसे छीनने की जो यहां पर बदमाश की कोशिश थी उसे असफल कर दे, लेकिन 50,000 वो नहीं बचा पाई, लेकिन अपने 2,00,000 रुपए महिला ने अपने बहादुरी के चलते बचाए हैं। तो दिल्ली का ये पूरा मामला है और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र से छात्रा के खुदकुशी के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा ने राजपुर थाना इंचार्ज की पूछताछ और बेअदबी से परेशान होकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। फिलहाल छात्रा की हालत गंभीर है। दरअसल राजपुर थाना के चैनपुर गांव के रहने वाले महेश सिंह और उनकी पत्नी नीलम अपने 4 बच्चों के साथ खेती किसानी का काम करते हैं। पत्नी नीलम की माने तो गाँव के ही रहने वाले कुछ दबंगों से उनकी जमीनी विवाद के चलते पुरानी रंजिश चल रही है, जिसके चलते दबंगों ने महेश सिंह के ऊपर एक रोज तेजाब डाल दिया था, जिससे महेश गंभीर रूप से झुलस गया। हालांकि महेश के परिवार से महेश की पत्नी ने दबंगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट राजपुर थाने में दर्ज कराई, जिसके चलते लगातार राजपुर थाना इंचार्ज विनोद कुमार दबंगों की ओर से पीड़ित पक्ष पर दबाव बना रहे थे और आए दिन महेश सिंह की पत्नी नीलम और उसकी नाबालिग बेटी को थाने बुला लिया करते थे और पूछताछ कर परेशान किया करते थे। साथ ही थाना इंचार्ज विनोद कुमार ने पीड़ित परिवार को दोषी बताकर उसका मानसिक शोषण भी किया है और डराने धमकाने के साथ मुकदमा लिखकर जेल भेजने की बात कहने लगे। बताया जा रहा है कि हाल ही में आरोपी इंचार्ज ने महेश की पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी को थाने में बुलाया था और बिना किसी महिला आरक्षी के बंद कमरे में नाबालिग बेटी को ले जाकर उससे सवाल जवाब किए।
आरोप ये भी है कि इंस्पेक्टर ने नाबालिग लड़की के साथ बंद कमरे में छेड़छाड़ करने की कोशिश की है और मारपीट भी की, जिससे क्षुब्ध होकर छात्रा ने घर आकर जहर खा लिया। फिलहाल नाबालिग का इलाज चल रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कानपुर देहात का एक बुरा मामला, जिस यूपी में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तमाम कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, उस क्षेत्र में ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जिस पर पूरी तरह से जिम्मेदारी है महिलाओं की सुरक्षा की। जी हां, मैं बात यहां प्रशासन और पुलिस की कर रही हूं। वो पुलिस थाने में महिला के साथ, मासूम बच्चे के साथ बदसलूकी कर रही है और एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। ये हाल है कानपुर देहात का। थाना राजपुर के जैनपुर गांव के एक आर्मी के जवान ने, जो दिल्ली में पोस्टेड है, उसके द्वारा थानाध्यक्ष को एक शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा गया, जिसमें एक फेक आईडी से उसकी पत्नी का फेसबुक आईडी पर अपलोड किया जा रहा था। जवान ने प्रांजलि नाम की लड़की से, जो उसके दूर के रिश्तेदार है, पर आरोप लगाया गया है कि प्रांजलि इसका प्रयोग कर रही है और मना करने पर मान नहीं रही है और धमकी दे रही है कि नौकरी से निकलवा दूंगी। अतः निवेदन है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस प्रकरण की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई तो आरोपी है, जहां पर पुलिस की पूछताछ से परेशान आकर एक छात्रा ने जहर खा लिया। छात्रा की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि एक परिवार का विवाद जो है, जमीनी विवाद चल रहा था और दबंग जो है लगातार परेशान कर रहे थे, पूरे परिवार को धमकी दे रहे थे। उसकी शिकायत लेकर जब परिवार पहुंचता है पुलिस थाने, तो वहां पर उनकी नहीं सुनी जाती। इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाती है जो दबंग परिवार के जो मुखिया हैं उसके ऊपर तेजाब डाल देते हैं, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस जाता है। जिसके बाद शिकायत लगाने जो युवक है, उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी जाती है, तो नाबालिग बेटी को बिना महिला आरक्षी के बंद कमरे में पूछताछ की जाती है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है और उसके बाद छात्रा इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसने जहर खा लिया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मनोज कुमार मेरे साथ कानपुर देहात से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, ये पूरा मामला किस तरह से है, जिस पर हम पूरी तरह से संतुष्ट होकर विश्वास कर लेते हैं कि भले ही हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पुलिस है हमारे साथ हमें इंसाफ दिलाने के लिए। वो पुलिसकर्मी अगर एक नाबालिग के साथ बदतमीजी या बदसलूकी करते हैं, तो फिर आखिर विश्वास किस पे किया जाए? हेलो मनोज, मेरी आवाज मिल रही है? जी काजोल जी। मनोज, ये पूरा मामला किस तरह से है? पुलिस की जिम्मेदारी है महिलाओं की रक्षा की, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी इस तरह से लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं पीड़ितों को ही। देखिए काजोल जी, अगर सूबे में महिला सुरक्षा की अगर बात करें, तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी महिला सशक्तिकरण के लिए काफी बातचीत करते हैं और काफी बड़ी बातें करते हैं और यहाँ तक कि बहुत बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन ये घटना से साफ तौर से साबित हो जाता है कि ये सिर्फ बातें सिर्फ कहने के लिए है, बाकी ग्राउंड जमीनी हकीकत तो सुनने हैं। मनोज, ये जो छात्रा बताई जा रही है जिसने यहाँ पर खुदकुशी की है, पुलिसकर्मी के सवालों से परेशान होकर, पुलिसकर्मी की छेड़छाड़ से परेशान होकर, ऐसे ही आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं, क्या उससे आपकी बात हो पाई है? क्या पुलिस ने उसका स्टेटमेंट दर्ज किया है? जी काजोल जी, ये जो पीड़िता थी, ये कुछ दिन पूर्व में ही इसके पिता को 4-5 अज्ञात लोगों के द्वारा बंधक बना के गाड़ी में डाला गया है और इनको गांव से मैक्सिमम 3-4 किलोमीटर दूर ले जा करके तेजाब डाल के जलाने का प्रयास किया गया है। इस बात की जब जानकारी पीड़िता को हुई, तो पीड़िता अपनी माँ और पिता के साथ थाने गई है इस बात की शिकायती प्रार्थना पत्र देने, लेकिन पुलिस ने इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हीला हवाली करती रही, इसके ऊपर ही आरोप लगाती रही कि नहीं, ये सब तुम झूठ बना रहे हो, ये सब तुमने खुद किया है, जिस बात से छुप दी थी। और फिर वहीं पे ही इसके बार बार उसको थाने बुलाया जा रहा था कि आप सच्चाई बताइए क्या है, और इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि आप जो घटना है वो बदल के दीजिए, आप मारपीट बताइए, हम आपका मारपीट का मुकदमा लिख लेंगे और हम आपके तेजाब का मुकदमा नहीं लिखेंगे। थाना प्रभारी के द्वारा बराबर इसके ऊपर दबाव दिया जा रहा था, जिससे छुप थी वो बच्ची। मनोज, तो क्या एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में और जो पुलिसकर्मी है उस पर क्या एक्शन हुआ है? जी काजोल जी, मनोज मेरी आवाज मिल रही है आपको? रिपीट करेंगी काजोल जी? मनोज, जो पुलिसकर्मी है जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कोई एक्शन लिया गया है?
जी काजोल जी, देखिए अभी तक जो मामला संज्ञान में घटना घटी है तब से लेकर अभी तक जो थाना प्रभारी हैं राजपुर के विनोद जी, उनके ऊपर अभी तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बल्कि हाँ, इतना जरूर जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस मामले को आईजी कानपुर जोन मोहित अग्रवाल जी ने संज्ञान में लिया हुआ है। उनके द्वारा तीन टीमें गठित की गई है। एक टीम थाना प्रभारी की जांच करेगी और दूसरी टीम हैलट हॉस्पिटल जाकर के बच्ची के पूरे जो इलाज हो रहा है उस पर निगरानी रखेगी और एक टीम गांव पे जाकर के हुई घटना की पूरी तफ्तीश करेगी। लेकिन अभी तक थाना प्रभारी के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही अभी कार्रवाई की कोई बात सामने आई है। चलिए ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा मामला कानपुर देहात का है। कानपुर देहात की मैं बात करूं तो यहां से रोजाना कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आती है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ लगातार ये कोशिश करते हैं कि प्रदेश में विकास हो, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हो, लेकिन प्रशासन यहाँ पर आंखें मूंद लेता है, प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन के देखिए, मैं आज सभी पुलिसकर्मी की या सभी अधिकारियों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं कानपुर देहात के इस मामले की बात करूँ तो यहाँ पर वाकई ये मामला शर्मसार कर रहा है। तो कानपुर देहात का एक पूरा मामला है जहां पर पुलिस के सवालों से परेशान होकर एक नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तो कानपुर देहात का एक पूरा मामला है जहां पर छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ से परेशान छात्रा ने जहर खा लिया। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरह है कि एक परिवार जो कि किसानी करता है, खेती करके मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है, यहाँ पर जमीन के विवाद को लेकर दबंगों से परिवार का विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद दबंग जो है वो अपनी दबंगई दिखाते हैं और परिवार के जो मुखिया हैं उस पर तेजाब से हमला कर देते हैं, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस जाता है। इसकी शिकायत लेकर जो शख्स है उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी थाने जाती हैं और थाने जाकर शिकायत दर्ज कराती हैं। शिकायत तो दर्ज कर ली जाती है लेकिन तमाम सवाल उनसे किए जाते हैं और उन पर दबाव बनाया जाता है कि पूरा मामला वापस ले लें। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों और तीर्थ क्षेत्रों में मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का साधु संतों की बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मान नरेंद्र गिरी ने कहा है कि सीएम योगी खुद एक संत हैं और वो जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं, इसलिए धार्मिक स्थलों पर शराब और मांस की बिक्री बंद किए जाने के फैसले पर निश्चित तौर पर अमल भी कराया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि सभी साधु संत भी मुख्यमंत्री के इस फैसले का पुरजोर समर्थन करते हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की पहल से ही ये मांग रही है कि हिंदुओं के सभी धार्मिक स्थलों पर मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से धार्मिक स्थलों पर मांस और मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने का ऐलान किया है, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो महंत नरेंद्र गिरी ने फैसले का स्वागत किया है। दरअसल जो मथुरा में जो ऐसे स्थल हैं जहां पर मंदिर हैं उसके आसपास मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि की मैं बात नहीं कर रही हूं, यह बात उन सभी धार्मिक स्थलों की होगी, इन सभी मंदिरों की होगी जिनकी आस्था हिंदुओं से जुड़ी हुई है। वहां पर अगर मांस की दुकानें यानी कि मीट शॉप होती है या फिर शराब की दुकानें होती हैं तो उनकी बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। यहाँ यानी कि वहां से ये दुकानें हटाई जाए, कहीं और शिफ्ट करवाई जाए, जिसका स्वागत किया है कई साधु संतों ने और इस फैसले का स्वागत साधु संतों की बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कहा है कि सीएम योगी खुद एक संत हैं और वो जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं, इसलिए धार्मिक स्थलों पर शराब और मांस की बिक्री बंद किए जाने के फैसले पर निश्चित तौर पर अमल भी कराया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी कहते हैं कि सभी साधु संत भी मुख्यमंत्री के इस फैसले का पुरजोर समर्थन करते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की पहल से ही ये मांग रही है कि हिंदुओं के सभी धार्मिक स्थलों पर मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई जाए। वो आगे कहते हैं कि सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से धार्मिक स्थलों पर मांस और मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने का ऐलान किया है, ये एक अच्छा संकेत है और आने वाले समय में तमाम जगहों पर ऐसा हो सकता है, इसी उम्मीद साधु संत लगातार लगाए हुए हैं। तो इस फैसले से साधु संत
समाज जो है वो पूरी तरह से खुश है और खुशी जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि मथुरा में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसके आसपास जो मांस और मदिरा की दुकानें हैं, यानी कि शराब की जो दुकानें हैं, जो मीट शॉप हैं, उन्हें वहां से हटा दिया जाए क्योंकि वहां पर इस चीज की बिक्री नहीं होगी। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि तमाम जो साधु संत हैं वो बहुत पहले से ही इसकी मांग करते रहे हैं कि मथुरा में जो भी धार्मिक स्थल है वहां से जो मांस की दुकानें हैं, जो शराब की दुकानें हैं, वो हटा दी जाए। आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला ले लिया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोरोना कर्फ्यू जो है वो रात में 9 बजे से लागू होगा। उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर और योगी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। पुलिस रात के 9 बजे से गश्त करती हुई नजर आएगी, हुटर बजाते हुए 9 बजे तक पूरे बाजार जो है पुलिस बंद कराएगी, दुकानें बंद कराएंगी। आसपास के राज्यों में बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला योगी सरकार का, कोरोना को लेकर यह बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। अब कोरोना कर्फ्यू रात के 9 बजे से शुरू हो जाएगा। जानकारी दे दूं कि अब से पहले 10 बजे से कोरोना कर्फ्यू शुरू होता था, लेकिन इससे पहले तमाम चेंजेस किए गए हैं। जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर यह फैसला लिया गया है। बीच में मामले कम हो गए थे तो राहत दी गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन आसपास के जो राज्य हैं उनमें कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है और इस वजह से योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पुलिस अब हुटर बजाएगी, सारे इलाकों में घूमेगी, सारे बाजार बंद कराएगी, सारी दुकानें बंद करवाएगी। आसपास के राज्यों में बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा आदेश योगी आदित्यनाथ का। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बड़ा फैसला योगी सरकार का, कोरोना कर्फ्यू अब 9 बजे से शुरू हो जाएगा, कब तक रहेगा? अभी जो सूचना मिल रही है उसके आधार पे कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। आसपास के जगहों से संक्रमण के मामले हैं वो निकलते ही आ रहे थे और ऐसे में योगी सरकार ने पहले भी एक सूचना यही दी थी, अगर मामले बढ़ जाएंगे तो ऐसे में फैसला लेना पड़ जाएगा। हालांकि कुछ टाइम पहले उन्होंने सैटरडे और संडे वीकली ऑफ कर दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले अभी उन्होंने 10 बजे रात के कर्फ्यू का एक चलन फिर से चालू किया था। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि अब जो कोरोना का मामले हैं वो लगातार निकलते ही चले आ रहे हैं और अब ऐसे में यही कहा जा रहा है कि रात के 9 बजे यानी कि एक घंटा पहले बढ़ा दिया गया है, 9 अब कर दिया गया है और अब रात में जो दुकानें हैं वो सब बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस जो है वो हुटर बजा के सारे दुकानें जो खुली होती हैं उनको बंद कराने की कवायद में लग जाएगी। हालांकि 10 बजे की रात में भी पुलिस इस दरमियान जो भी दुकानें खुली होती थी वहां पे उनको जाके वो बंद कराती लगातार, लेकिन अब जो 9 बजे की जो सूचना मिल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि सख्ती खास बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, यानी रूबी ये कहा जा सकता है कि कोरोना कर्फ्यू जो है वो अब एक घंटा पहले कर दिया गया है। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला क्योंकि आसपास के इलाकों में संक्रमण बढ़ रहा है, राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है, इस वजह से योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कुछ दिन पहले ही थोड़ी सी राहत मिली थी जो दुकानदार हैं उन्हें, लेकिन अब फिर से कोरोना कर्फ्यू जो है वो 9 बजे से शुरू हो जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।